नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राज्य महिला आयोग की सदस्य राम सखी कठेरिया ने जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में महिला व पुरुष दोनों ही अपनी फरियाद लेकर महिला आयोग के सदस्य राम सिंह कठेरिया से मिले और अपने अपने प्रार्थना पत्र दिए, जिस पर राज्य महिला आयोग के सदस्य ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान मीडिया को बताया महिला उत्पीड़न न हो इसकी रोकथाम की जाए, इसी के लिए है वे समय समय पर जनपद मथुरा का दौरा करती हैं और जन चौपाल लगाती हैं और महिलाओं की परेशानियाँ सुनते हैं। जब पत्रकारों द्वारा उनसे गया कि थाने व चौकियों पर सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आपके जनता दरबार में फरियादों की संख्या बढ़ रही है, तो इस सवाल से बचती हुई नजर आई। इस दौरान कई सवाल पत्रकारों द्वारा उनसे पूछे गए, लेकिन वे सभी सवालों से बचती रही। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज यहाँ सुनवाई हुई है, तमाम महिलाओं ने अपने अपने विषय रखे हैं। कुल कितनी महिलाएं नहीं हुई, उनके समाधान के लिए क्या आदेश? हम महिलाओं के समाधान के लिए ही में आई हुई हूँ। यहाँ पे जो चीज आए हैं, कोशिश ये रहेगी कि जितनी महिलाएं आई हैं उनके समाधान यहीं कर दिए जाए, और यदि यही ना हो पाएंगे तो थाने से समाधान हो जाएंगे। बाकी योजना के तहत जो है माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं को प्राथमिकता पे आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं, सम्मान देने का काम कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई, गरीब कन्याओं के लिए शादी के लिए अनुदान देना, प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी को सम्मान देने का काम कर रही है। और यहाँ के जो सभी विभागों के जो अधिकारी आए, इनके माध्यम से जन जन तक योजना की पहुंच रही है, सरकार की योजना पहुंच रही है, कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर जो अधिकारी आए पूरी अपना योजना के साथ जो है पूरा जानकारी दे रहे हैं, और तो मेरे पास जो उत्पीड़न के मामले जो आए, जमीन के टूटी के मामले जरूर आए, तो कुछ ऐसे हैं कि जो कोर्ट चलते हैं, कोर्ट के मामलों का कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मैडम, लगातार जो यहाँ फरियादियों की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तभी आप यहाँ आ रहे? अगर थाना स्तर पर हो जाती तो यहाँ क्यों आते हैं? देखिए, जन सुनवाई तो बिल्कुल हो रही है। अभी हमारी मैडम भी आई थी, मेरे ख्याल में 15 दिन हुए होंगे, अध्यक्ष जी हमारी आई थी। मैं भी हर महीने आती हूँ, तो सुनवाई के लिए, जन सुनवाई के लिए तो आती हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपके यहाँ जब आ रहे हैं, जन सुनवाई के लिए बैठे हैं, ये अगर इनके संबंधित जिसके विभाग से संबंधित पीड़ित है वो उसकी समस्या का समाधान होगा, और ये समाधान नहीं करेंगे तो नहीं खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैम, जन सुनवाई में देखा जा रहा है पीड़ित को अटकाया जा रहा, मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की धमकी उनको दी जा रही है आपके सामने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दर्ज किया नहीं, कौन नहीं, किसको अटकाया है? कोई ऐसा कोई कुछ नहीं है कि उसको अटकाया जाए। आरोप लगा रही नहीं, वो तो आरोप देखिए गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। पीड़िता जो आई है उनके सम्मान के साथ उनकी समस्या सुनी जा रही है, उसके समाधान भी किए जा रहे हैं। सीओ साहब में मैंने मतलब जहाँ मैटर आया मैंने फ़ोन भी करवाया कि तत्काल पूछिए कि महिला एक सदस्य आएंगे, इसका FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही, इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है उसका समाधान होगा।